महानगर में सोमवार की देर रात गोरखपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों ने जमकर उपद्रव किया। रेलवे स्टेशन रोड स्थित न्यू मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में विश्वविद्यालय के छात्रों ने बिल के भुगतान को लेकर जमकर उपद्रव किया। इस दौरान छात्रों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के साथ कर्मचारियों की पिटाई भी की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 उपद्रवी छात्रों को हिरासत में ले लिया है, जिस पर साथी छात्रों को छुड़ाने की मांग को लेकर हॉस्टल के छात्रों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ SPCT विनय सिंह और प्रभुनाथ ने छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा। हो गया ना हाँ जी, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि खाने पीने का बिल और उसको पेमेंट को लेन देन को लेकर के आपस में दुकानदारों और छात्रों के बीच में या कुछ उपद्रवी तत्व थे कि छात्र थे उनके बीच में कुछ मारपीट की हुई है बात। उस पर तुरंत फोर्स ने रिएक्ट किया और तुरंत ही वहाँ से 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जाँच उच्चतम स्तर से कराई जा रही है और जैसे ही जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।